चलो, तो आज हम लोग करेंगे फंक्शंस। लास्ट क्लास में हम लोग सब रिलेशंस किए। फंक्शंस इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ रिलेशंस, मतलब कि जितने भी रिलेशंस होते हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही फंक्शंस होते हैं। नॉट ऑल द रिलेशंस आर फंक्शंस। जबकि बहुत बार अगर कभी भी आप देखोगे तो आप इन कॉमन पार्लेंस हम लोग बोल देते हैं कि कोई भी रिलेशन है तो उसको हम लोग एफएक्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, बट एक्चुअल में एफएक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन ओनली फॉर फंक्शंस। तो अब डिफरेंस क्या होता है एक रिलेशन में, मतलब एक रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं? देर आर प्राइमरीली टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज देट हैज़ टू बी अ यूनिक रिलेशन, एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव एन इमेज। इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग समझते हैं मैपिंग के थ्रू। इसमें क्या होता है, दिस वन इज द डोमेन एंड दिस वन इज आर को डोमेन, एंड को डोमेन में से जो जो एलिमेंट्स हम लोग का सॉल्यूशन सेट का पार्ट बनता है दोज फॉर्म द रेंज। करेक्ट। डोमेन इज एक्चुअली इनपुट वैल्यूज एंड को डोमेन इज द आउटपुट वैल्यूज का सेट। अगर लेट्स से ऐसे है, थ्री एलिमेंट्स इन द डोमेन, फोर एलिमेंट्स इन द को डोमेन। यूनिक रिलेशन मतलब क्या होता है? यूनिक रिलेशन मतलब होता है कि एक कोडोमेन के पोर्शन का रिलेशन कोई भी दो एलिमेंट से नहीं हो सकते, या दो एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन से नहीं हो सकते। मतलब इफ सपोज दिस इज द केस, इफ दिस इज द केस, तो क्या हो रहा है, डोमेन का एक ही एलिमेंट से हम लोग को टू इमेजेस मिल रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ फंक्शन। तो फॉर एवरी एलिमेंट देर हैज़ टू बी ओनली वन सिंगल इमेज। एंड वॉट इज द सेकेंड कंडीशन, कि ये जो चीज़ है दिस शुड बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन। मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए इन द मैपिंग, मिनिमम एक एरो निकलना इज ज़रूरी। तो अगर ऐसे करें तो को डोमेन में एक खाली है, वन एलिमेंट ऑफ द को डोमेन डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, तो दैट इज़ फाइन, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज एज वी कैन सी देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कोडोमेन। तो रेंज क्या बन जाएगा, रेंज विल बी दीज थ्री एंड कोडोमेन विल बी ऑल फोर। एवरी एलिमेंट ऑफ योर डोमेन शुड हैव एन इमेज। लेट्स से इफ आई डोंट मेक दिस, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, बिकॉज दिस वन डज नॉट हैव एनी इमेज। ऑल राइट, और थोड़ा मैपिंग्स देखते हैं, बोलो कि वो होगा कि नहीं। बोलो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं यस मैम, इट्स अ फंक्शन। होगा। कंडीशन वन इज यूनिक, कंडीशन वन सेटिस्फाई हो रहा है। यूनिक मतलब कि हर एक एलिमेंट ऑफ द डोमेन से सिर्फ एक ही एरो निकल सकते हैं, तो क्या ये हो रहा है? हाँ, तो कंडीशन वन इज सेटिस्फाइड। कंडीशन टू क्या बोलता है? कंडीशन टू बोलता है कि एवरी एलिमेंट कैन ओनली एवरी एलिमेंट मस्ट हैव वन इमेज। तो मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ को डोमेन से एक एक एरो मिनिमम निकलना चाहिए। मिनिमम क्या, एक एरो ही निकल सकता है, तो हर एक एलिमेंट से निकलना चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। सो दिस वन इज अ फंक्शन। अब ये क्वेश्चन क्यों बहुत जन को कन्फ्यूज करेगा? यू कैन सी कि दिस वन इन द को डोमेन एक्चुअली हैज टू एरोज एंटरिंग इट, बट इस पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस पे अगेन देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज यूनिकनेस कहाँ से डिसाइड हो रहा है? यूनिकनेस इज़ फ्रॉम दिस पोर्शन, कि यहाँ से एरो निकल सिर्फ एक सकते हैं, लेकिन दे कैन मीट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज एन
एन एरिया जहाँ पे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि रिस्ट्रिक्शंस आर ऑलवेज ऑन द डोमेन, नेवर ऑन द कोडोमेन. ओके, तो लिख लो ये दोनों कंडीशंस फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन. नाउ एज वी सॉ कि अ फंक्शन इज डिनोटेड बाई एफ एक्स, या फिर हम लोग उसको जी एक्स भी लिख सकते हैं, एच एक्स, कोई भी लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो इनपुट क्या है, एक्स, बिकॉज द फंक्शन इज इन एक्स. हम लोग एक्स का वैल्यू को डालेंगे तो जो हम लोग का डोमेन होता है दैट इज एक्चुअली वैल्यूज फॉर एक्स, एंड जो को डोमेन होता है दैट इज सेट फ्रॉम विच वैल्यूज ऑफ वॉट विल बी एक्सट्रैक्टेड. क्या चीज़ का वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगा कोडोमेन से? इमेजेस. बट इन मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, इस सेट से क्या निकलेगा? वाई तो है ही नहीं कहीं पे. वैल्यूज ऑफ एफ एक्स की वैल्यू. एग्जैक्टली, इसमें से वैल्यूज ऑफ एफ एक्स निकलेगा. बट ज़रूरी नहीं है कि दिस विल कंटेन ओनली वैल्यूज ऑफ एफ एक्स. को डोमेन विल कंटेन अदर वैल्यूज एज वेल, बट द डोमेन विल कंटेन ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ओनली. इट के नॉट कंटेन एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम द इनपुट्स दैट कैन गो इन साइड द फंक्शन. ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट हम लोग कोई भी लेटर से कर सकते हैं. एंड वाई डू वी हैव टू यूज डिफरेंट लेटर्स? बिकॉज एवरी लेटर रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन. जैसे हम लोग को अगर कोई भी सम करते हैं हम लोग, तो हम लोग हर एक आइटम के लिए एक डिफरेंट वेरिएबल लेते हैं. वाई? बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स. सिमिलरली एवरी फंक्शन, लेट्स से इफ आई राइट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, ये एक फंक्शन है इन एक्स, एंड एक और फंक्शन इन एक्स इफ आई राइट कि एक्स प्लस थ्री, तो दिस इज अनदर फंक्शन इन एक्स. यू कैन नॉट रिप्रेजेंट बोथ यूजिंग एफ एक्स. यू हैव टू यूज अ सेपरेट लेटर, एंड द मोस्ट कॉमन वंस आर एफ, जी एंड एच. उसके बाद इफ यू हैव टू राइट अ फोर्थ फंक्शन, देन यू कैन गो फॉर एनी लेटर. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बट दीज थ्री आर द कॉमनली यूज लेटर्स. तो लेट्स स्टार्ट विथ कैलक्यूलेटिंग डोमेन ऑफ अ फंक्शन. हाउ डू वी कैलकुलेट द डोमेन ऑफ अ फंक्शन? तो पहले तो हम लोग को एक फंक्शन दे दिया जाए. मान लो इफ आई टेक अ फंक्शन एज 1/x+3, अगर ये हम लोग का फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होएगा कि वॉट ऑल वैल्यूज कैन दिस एक्स टेक, दैट इज आर डोमेन. अब रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है कि जो भी हम लोग का आउटपुट होगा इट शुड बी अ रियल नंबर, इट के नॉट बी इमेजिनरी. इमेजिनरी मतलब या तो नेगेटिव स्क्वायर रूट हो गया या फिर अनडिफाइंड हो गया. ये सब वैल्यूज हम लोग का फंक्शन का आउटपुट नहीं ले सकते. तो एक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कब लगेगा? फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस थिंग टेक्स एन इमेजिनरी और एन अनडिफाइंड वैल्यू, देन दैट वैल्यू ऑफ एक्स के नॉट बी पार्ट ऑफ द डोमेन. हम लोग किए थे कल कि इमेजिनरी नंबर्स के लिए क्या होते हैं, नेगेटिव स्क्वायर रूट वालों को हम लोग इमेजिनरी लेते हैं एंड द अदर वन इज अनडिफाइंड. तो नेगेटिव स्क्वायर रूट कब होता है? अगर रूट एक्स है तो एक्स हैज टू बी पॉजिटिव और ज़ीरो. अनडिफाइंड कब होते हैं? जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आते हैं. तो 1/x में एक्स हैज टू बी नॉन ज़ीरो. इट कैन बी नेगेटिव बट इट के नॉट बी ज़ीरो. एंड ऑन दी अदर हैंड स्क्वायर रूट में ज़ीरो अलाउड है लेकिन नेगेटिव अलाउड नहीं है. तो अगर 1/√x है तो x पे क्या कंडीशन इम्पोज होगा, x क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं? ओनली ग्रेटर दैन ज़ीरो. ठीक है, तो दीज टू आर दी ओनली कंडीशंस विच वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल कैलकुलेटिंग डोमेन. अब इसके ऊपर ही बहुत वैरायटी ऑफ सम्स आते हैं. तो पहले आप लोग कंडीशंस लिखो फॉर कैलकुलेटिंग डोमेन. कंडीशन वन इज इन केस ऑफ एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर रूट, एक्सप्रेशन
should be greater than or equal to 0. In case of expression in denominator, the expression should be non-zero. तो यहाँ पे सिर्फ x के ऊपर नहीं है, जो भी पूरा एक्सप्रेशन है वो पूरा कभी भी ज़ीरो या वो पूरा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इस एग्जाम्पल में x का कौन सा वैल्यू डोमेन में नहीं आ सकता है? माइनस थ्री, क्योंकि x प्लस थ्री एज अ होल कैन नॉट बी ज़ीरो. तो हम लोग ये देखेंगे कि किस x के लिए ज़ीरो हो रहा है, किस x के लिए ज़ीरो होगा, x इक्वल टू माइनस थ्री के लिए. इसीलिए जो हम लोग का डोमेन होगा दैट विल बी ऑल रियल नंबर्स माइनस थ्री, सॉरी माइनस माइनस थ्री मतलब रियल नंबर्स का जो पूरा सेट है उसमें से सिर्फ हम लोग माइनस थ्री को हटा दे रहे हैं. दिस इज हाउ वी विल राइट द डोमेन. अब रेंज क्या होता है? रेंज होता है कि हम लोग का एफ एक्स खुद क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, वो किस पे डिपेंडेंट होगा. दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन वॉट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट वी आर टेकिंग, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा. तो रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, पहले हम लोग डोमेन का सम्स करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू रेंज. फर्स्ट सम ट्राई करो, वन बाय रूट ओवर फोर एक्स माइनस फाइव. इसका डोमेन क्या होएगा बताओ जल्दी. वेरी इजी, कंडीशन होगा कि फोर है. आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका. फाइव बाय फोर टू इन्फिनिटी, इसको लिखेंगे कैसे? इन नॉर्मल ब्रैकेट्स, क्योंकि 5 बाय 4 के इक्वल होने से रॉन्ग होगा या अनडिफाइंड होगा, तो इसीलिए वी विल यूज नॉर्मल ब्रैकेट्स. इसका डोमेन निकालो. मैम हम्म, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी माइनस जीरो और वन, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी क्या होता है? रियल नंबर्स ही तो होते हैं, इसीलिए वी विल राइट आर, वी विल नॉट राइट माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी कभी भी. ठीक है, हमेशा आर लिखना. अब इसमें क्या गलती होगा? पीपल विल थिंक कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स से क्या फ़र्क पड़ता है, एक्स एक्स काट दो. बट वो अगर रिड्यूस कर दोगे आप लोग, तो आप लोग का ये कंडीशन कभी आंसर में नहीं फीचर करेगा. आप लोग खाली वन को हटाओगे. तो इसीलिए यू हैव टू बी श्योर कि जब भी फंक्शन का डोमेन निकालो, डोंट मेक एनी चेंजेस, कीप एवरी थिंग दैट इज़ देयर. बिकॉज एक्स अगर ज़ीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म में आंसर आएगा. ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म इज़ ऑल्सो अनडिफाइंड, इसीलिए दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. एक लास्ट सम डोमेन पे
थ्री टू इन्फिनिटी। हाँ थ्री टू इन्फिनिटी. अच्छा, थ्री टू इन्फिनिटी में अगर हम लोग गलती फोर डाले लेट्स से, तो क्या होएगा? हमेशा इसको चेक करना. कॉमन। अगर फोर होगा तो फर्स्ट वाला तो ठीक है, फर्स्ट वाला रूट टू आएगा. सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? थ्री माइनस फोर माइनस वन, तो ये तो नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल. तो थ्री टू इन्फिनिटी इज रॉन्ग. यू हैव टू इंश्योर कि ये तीनों कंडीशंस साथ में सेटिस्फाई हो. मतलब यू हैव टू टेक एन इंटरसेक्शन, इन तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करो एंड देन टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री सेट्स. तो कैसे करेंगे? एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स को टू से बड़ा होना होगा. टू से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली जीरो तो नहीं हो सकते. ये वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? थ्री माइनस एक्स बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. नाउ यहाँ पे वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कम्स. वाइल सॉल्विंग इनइक्वालिटीज यू कैन नेवर टेक, मतलब इफ यू टेक अ नेगेटिव नंबर एंड चेंज इट्स साइड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिविजन, देन आपका जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोग को पता नहीं कि हम लोग का एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो इन सच केसेस जब कोई वेरिएबल को हम लोग को साइड चेंज कराना होता है, तो व्हाट वी डू इज हम लोग उसको स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं. ऐसे कर देंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में आते ही नाउ वी नो कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. फिर आप इसको बेझिझक इस तरफ ले जा सकते हो विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस. तो एक्स माइनस एक्स इंटू थ्री माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो. अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे? वी विल यूज द नंबर लाइन मेथड. क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होंगे? क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए हम लोग हमेशा फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करते हैं. तो एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू आएगा जीरो. थ्री माइनस एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू आएगा थ्री. इस साइड इन्फिनिटी, इस साइड माइनस इन्फिनिटी. और हम लोग को क्या क्या चाहिए? वी नीड ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जहाँ पे द एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है. तो पॉजिटिव कहाँ आएगा? अगर टू पे चेक करें, जीरो टू थ्री के बीच में टू पे इफ वी चेक, देन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. माइनस वन पे अगर चेक करें तो क्या आएगा? नेगेटिव. फोर पे अगर चेक करें तो अगेन नेगेटिव. तो इसीलिए द रिक्वायर्ड इंटरवल इज जीरो से थ्री तक. अब यहाँ पे मैटर करेगा कि थ्री पे ओपन ब्रैकेट होगा कि क्लोज ब्रैकेट होगा. क्या होगा? क्लोज होगा. क्यों? क्योंकि थ्री पे क्या हो रहा है? थ्री पे इक्वल टू जीरो हो रहा है. क्या हम लोग को इक्वल टू जीरो वाला एक्सप्रेशन भी चाहिए? यस चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज ऑफ दिस इवन इक्वल टू जीरो इज एक्सेप्टेबल. तो इंटरवल क्या बना? अच्छा, और जीरो पे होगा, जीरो पे भी होगा. तो जीरो कॉमा थ्री का इंटरवल बन रहा है विथ क्लोज ब्रैकेट्स. ऊपर क्या इंटरवल बना था हम लोग का? टू टू इन्फिनिटी। टू टू इन्फिनिटी अगेन विथ क्लोज ब्रैकेट्स. तो हम लोग को चाहिए टू से इन्फिनिटी एंड टू से थ्री का इंटरसेक्शन. ओनली द ओवरलैपिंग पोर्शन विल वर्क. ओवरलैपिंग पोर्शन कितना है? टू टू थ्री विथ क्लोज ब्रैकेट्स. ओके, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द डोमेन. ऑन सिमिलर लाइन्स एक बार ये भी ट्राई करो सो दैट कॉन्सेप्ट क्लियर है. ये ट्राई करो. एट टू इन्फिनिटी। ठीक है, चेक करके देखो. जो भी इंटरवल बोलो ना, हमेशा उसको चेक करके देखो. अगर कभी भी ऐसा लगे कि सम इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड उसमें दोनों कंडीशंस करना है या मल्टीपल इंटरवल्स बन रहे हैं, देन ऑलवेज चेक कि आपका करेक्ट है कि नहीं. मतलब कोई भी अगर वैल्यू अनरियल आंसर दे रहा है देन इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, देखते हैं. ओपन ब्रैकेट्स है मैम दोनों तरफ। ओपन मैम ब्रैकेट्स. हाँ बोलो.
मैम एट एट के साथ मैम क्लोज ब्रैकेट होगा। एट के साथ क्लोज ब्रैकेट होगा। अगर एट के साथ क्लोज यस मैम ब्रैकेट होगा तब तो अपने आप ही ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। एट के साथ क्लोज ब्रैकेट तो हो ही नहीं सकते। मैम क्लोज मतलब मैम कर ब्रैकेट कर ब्रैकेट हाँ तो कर्व ब्रैकेट इज ओपन ब्रैकेट। क्लोज्ड मतलब यस क्या मैम होता यस है कि हम लोग लिमिट को इंक्लूड कर रहे हैं, एंड ओपन ब्रैकेट इज दिस ब्रैकेट मतलब हम लोग लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्रिटिकल वैल्यूज विल बी 5 एंड 8। यहाँ तक सबका हो गया। क्या होएगा कौन से इंटरवल में प्लस कौन से इंटरवल में माइनस? फर्स्ट में प्लस ये पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। और हम लोग को पता है कि एक्स के नॉट बी इक्वल टू 8, तो क्या क्या हो सकता है? इन्फिनिटी टू 5, माइनस इन्फिनिटी टू 5, एट टू इन्फिनिटी विथ ओपन ब्रैकेट। इसका यूनियन की इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन नहीं तो ऐसे भी नल सेट आएगा, तो खाली एट टू इन्फिनिटी नहीं होगा। माइनस इन्फिनिटी टू 5 में ट्राई करके देखते हैं। अगर हम लोग 4 डालें तो क्या आएगा? -1/-4, माइनस माइनस कट जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद रूट ऑफ 1/4। रियल है तो इसीलिए दोनों इंटरवल्स आएंगे। आप लोग शायद सिर्फ वन इंटरवल बोले थे, तो दोनों इंटरवल्स आएंगे एंड दोनों का यूनियन होगा। 5 पे क्लोज ब्रैकेट होगा। अगर 5 पे अगर 5 ले तो क्या होएगा? इफ वी टेक 5 देन वी विल गेट रूट ओवर 0/-p, है ना? 0/anything इज 0, तो इसीलिए दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू अस। इसलिए 5 पे क्लोज ब्रैकेट होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? दैट इज ऑल अबाउट डोमेन। डोमेन में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा हमेशा। मूविंग ऑन टू रेंज ऑफ अ फंक्शन, हाउ डू वी कैलकुलेट द रेंज ऑफ अ फंक्शन? इट इज़ द सेम प्रोसेस एज डोमेन, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। कुछ स्टेप्स एक्चुअली एक्स्ट्रा होंगे। सबसे पहले रेंज क्या होता है? रेंज इज द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स यूजिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब एक्स को रियल होना होगा। एक्स अगर रियल है तो एफ एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं? तो इट इज़ एक्चुअली सेइंग एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ डोमेन। तो हम लोग क्या करते हैं टू कैलकुलेट द रेंज? वी टेक, लेट्स से अगर एफ एक्स सेम ही अगर ले, x-3, तो हम लोग को पहले एक्स को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना होगा। यहाँ पे एफ एक्स को वी विल टेक एज वाई, क्योंकि उसमें से देन विल बी इज विल फेस लेट लेस डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। तो एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनेगा? वाई इज इक्वल टू एक्स माइन 1/y इज इक्वल टू x-3 और x इज इक्वल टू 1/y+3। ऐसे ही बनेगा सब्जेक्ट। ये होगा। अब x सब्जेक्ट बन गया फॉर्मूला का। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ दिस। ये जो हम लोग के पास इक्वेशन बना है इसका डोमेन मतलब y वैल्यूज निकालना है जिससे हम लोग का एक्स रियल होगा हमेशा। तो क्या कंडीशन आएगा अगर इसका डोमेन निकालने जाएंगे? तो क्या होगा? यहाँ पे खाली वाई के नॉट बी 0, बाकी हर वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, ओनली वाई के नॉट बी 0। एक और चीज़ हम लोग को देखना होगा। एक और चीज़ क्या देखना होगा? इज देयर एनी वैल्यू इन द ओरिजिनल डोमेन, मतलब एक्स वैल्यूज अगर ऐसा कुछ भी है जिसके कारण हम लोग का रेंज एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ले सकते हैं, देन उस वैल्यू को भी हम लोग को एलिमिनेट करना होगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे इसको लेके, देन इट विल बिकम क्लियरर। अभी बार बेसिक्स ट्राई करो,
Try this one. इसका रेंज निकालो. ऑल रियल नंबर ऑल रियल नंबर्स. सबका यही आ रहा है. अब एक बात बोलो कि ये निकाल रहे हैं हम लोग स्क्वायर रूट. ठीक है, स्क्वायर रूट जब निकालते हैं ना, देन वी से कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. वी कंसिडर कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही देगा, तो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स नहीं होगा हम लोग का, सिर्फ 0 से इन्फिनिटी हम लोग कंसिडर. ठीक है, तो नॉर्मली इफ़ वी सॉल्व, एक बार जल्दी से सॉल्व कर देते हैं इन केस अगर किसी का नहीं हुआ, कैसे होगा. ये होगा एंड वाई स्क्वायर प्लस 9 हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर हैज़ टू बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू -9. इसके बाद क्या करेंगे बोलो. दैट इज ऑलवेज ट्रू, विच मीन्स ऑल रियल नंबर्स. ओके, अब ऑल रियल नंबर्स में से हम लोग, जैसा मैंने बोला, वी विल एलिमिनेट सर्टेन नंबर्स जो हम लोग को पता है पॉसिबल ही नहीं है. तो जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, देन वी ऑलवेज से कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट अ नेगेटिव वैल्यू. ओके, क्योंकि अंदर में जो भी है वो हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए वी विल राइट दिस एज द रेंज. एक और एग्जाम्पल ट्राई करो. मैम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी। और ब्रैकेट्स, मैम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में तो मैम कर्व ब्रैकेट्स होंगी, और और मैम 3/2 में मैम क्लोज ब्रैकेट होगा, द स्क्वायर ब्रैकेट टू वेरी गुड. इन्फिनिटी इन्फिनिटी।
हो गया सबका ये वाला, कोई भी डाउट इसमें? इसका निकालो वन रियल नंबर माइनस जीरो। रियल नंबर्स माइनस जीरो। अच्छा जीरो से अगर इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी में कौन सा ब्रैकेट? ओपन सबका यहाँ तक आया है। नहीं, ये दूसरा सम है, ये वाला ट्राई करो। नहीं, दिस इज द थर्ड सम, ये वाला ट्राई करो। ये 0 to infinity भी आप लोग 1/√(x²−9) इस सम के लिए, 1/√(x²−9) का 0 to infinity हो, इसके लिए अगर किसी का 0 to infinity आ रहा है तो बोल। हम पहले वाले में ये वाला करो।
आपका ये आया, रेंज इज 1/3 कॉमा इन्फिनिटी। यस मैम। नेक्स्ट हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है? अगर हम लोग x की जगह माइनस एक्स डालें एज एन इनपुट, तो हम लोग का आउटपुट अगर सेम रहेगा तो मतलब वो इवन फंक्शन है। एंड अगर हम लोग x की जगह माइनस एक्स डालें और हम लोग का आउटपुट एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इट इज़ एन ऑड फंक्शन। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एवरी फंक्शन इज़ ईदर एन ऑड फंक्शन और एन इवन फंक्शन। देयर कैन बी फंक्शन विच आर नीदर ऑड एंड नीदर इवन, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक फुलफिल हो रहा है तो उसको हम लोग ऑड एंड इवन फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो एक इवन फंक्शन जो होएगा वो क्या होएगा? अच्छा छोड़ो, आई थिंक ग्राफ इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू ऑल, लेट इट बी। एक एग्जाम्पल लो, लेट्स से अ फंक्शन इज एक्स स्क्वायर एंड अ फंक्शन इज एक्स क्यूब, कौन सा ऑड होएगा एंड कौन सा इवन होगा? एक्स स्क्वायर इवन। एक्स स्क्वायर इवन होगा एंड एक्स क्यूब ऑड होएगा, ठीक है? तो ये हो गया ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। आप लोगों को सिर्फ यही चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पूरा सेम रहेगा कि पूरा नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। द अदर क्लासिफिकेशन इज इन टू ऑन टू एंड वन वन मेनी वन। क्या होता है, किसी को पता है ये क्या होता है? मैम इन वन वन एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू हो जाए तो मैम उसे वन वन कहते हैं। वन वन इज वेन, वापस बोलो। एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, इसमें मैम हम दो मैम हम अपने आप से मैम एग्जांपल लेते हैं, इसमें एफ एक्स वन लेते हैं और एफ एक्स टू लेते हैं कोई भी एक फंक्शन में। तो मैम ठीक अगर है, एफ एक्स एक्स वन इज इक्वल इसमें टू आप एक्स एक, टू हाँ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो जाए तो मैम वो वन वन होता है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वन क्या होता है? वन वन का मतलब इज़ बेसिकली अगर हम लोग मैपिंग करें तो फॉर एवरी एलिमेंट एक एरो निकलेगा, हर एलिमेंट से एक एरो तो निकलेगा, लेकिन हर एलिमेंट सिर्फ एक में ही जा सकते हैं। पहले क्या हो रहा था इन अ फंक्शन, इवन दिस इज पॉसिबल, इवन दिस इज पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, लेकिन दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। वाई? बिकॉज वन वन फंक्शन का क्राइटीरिया इज अ डिस्टिंक्ट इमेज, मतलब द इमेज के नॉट बी द सेम फॉर एनी टू इनपुट्स, ठीक है? दैट इज द कंडीशन फॉर वन वन। और वन वन को एक और नाम से बोलते हैं, कॉल्ड इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं वन वन को, ठीक है? इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट विल बी मैनी वन। मैनी वन नाम से क्या होता है कि मैनी इनपुट्स गिव वन आउटपुट, या फिर मैनी इनपुट्स या मल्टीपल एक्स वैल्यूज विल गिव द सेम वैल्यू फॉर एफ एक्स, ये होता है मैनी वन या फिर सर्जेक्टिव। ओके, एक और कॉन्सेप्ट, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू होते हैं वेर एवरी एलिमेंट एज अ प्री इमेज, एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो ऑन टू फंक्शन को मैपिंग कैसे दिखाएंगे हम लोग? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इज द कंडीशन फॉर एन ऑन टू फंक्शन, तो वो कैसे दिखाएंगे?
ओ डोमेन इज इक्वल टू रेंज। एंड मैपिंग पे कैसे दिखेगा ये, मैपिंग में क्या कंडीशन होना चाहिए? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोडोमेन का थ्री एलिमेंट्स है जिनके पास कोई प्री इमेज नहीं है। के लिए क्या करना होगा हम लोग को, सबसे पहले तो डोमेन में कम से कम उतना एलिमेंट्स रखना होगा जितना कोडोमेन में है। बिकॉज अगर डोमेन में कम एलिमेंट्स है, मान लो कोडोमेन डोमेन में थ्री है एंड कोडोमेन में फोर है, तो यहाँ से तो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन है कि हर उससे सिर्फ एक ही एरो निकल सकता है। दैट रेस्ट्रिक्शन इज ऑलरेडी देयर इन अ फंक्शन, तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो अगर डोमेन में कम एलिमेंट्स रहेगा एंड कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट्स रहेगा, तो वो फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमेशा एक ना एक एलिमेंट रह जाएगा, हमेशा वन एलिमेंट विल बी लेफ्ट आउट एंड कोडोमेन विल नॉट बी द सेम एज रेंज। ठीक है, तो इसीलिए दैट इज़ वन कंडीशन विच वी हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम लोग को पहले ही दिख गया कि कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट्स है दैन द डोमेन, देन ऑटोमेटिकली वी विल से दैट द फंक्शन कैन नेवर बी ऑन टू। ऑन टू इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। ठीक है, इन टू हो गया एंड ऑन टू हो गया, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। जब कोई फंक्शन इज सब्जेक्टिव एज वेल एज इंजेक्टिव, देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। एंड अ बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज इन्वर्टिबल। मतलब अगर कोई फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना है, देन यू हैव टू शो दैट इट इज बाइजेक्टिव। अब इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है? कल हम लोग रिलेशनशिप का इन्वर्स किए थे। सिमिलरली एक फंक्शन का भी इन्वर्स होता है कि जो भी हम लोग के ओरिजिनल फंक्शन में हो रहा है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जो फंक्शन करेगा, दैट इज द इन्वर्स ऑफ आर फंक्शन। और हम लोग इन्वर्स निकालना ऑलरेडी सीख गए। जब हम लोग रेंज निकाल रहे थे तो वी वर मेकिंग एक्स द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो क्या हो रहा था, अगर वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स, तो क्या हो रहा है, हम लोग वन बाय द इनपुट कर रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या होएगा? का ऑपोजिट हो जाएगा कि अब हम लोग वन बाय वाई कर रहे हैं। दैट इज वॉट इनवर्स इज बेसिकली, कि आप लोग हर ऑपरेशन को उल्टा कर दोगे। तो एक सम देखते हैं, 4x³ + 7। आप लोग करो, इसके पहले आई विल टेल यू हाउ टू शो दैट अ फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड हाउ टू शो दैट अ फंक्शन इज सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव दिखाने के लिए क्या होगा, पहले हम लोग लेंगे कि x1 और x2 टू इनपुट्स हैं। ठीक है, टू इनपुट्स हैं एंड उनका जो रिजल्ट आएगा वो होएगा fx1 एंड fx2। ओनली इफ एंड ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर द सेम, देन ओनली देयर आउटपुट कैन बी द सेम। अगर दोनों इनपुट सेम है और आउटपुट अगर अलग अलग है, इसका मतलब है कि वो सबसे पहला बात फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मैपिंग कैसा बनेगा, सेम इनपुट से दो आउटपुट आ रहा है, वो फंक्शन है ही नहीं। अगर इसका उल्टा होए कि इनपुट्स सेम नहीं है, मतलब x1 एंड x2 आर नॉट इक्वल, लेकिन जो fx1 और fx2 है वो सेम है, तो इसका मैपिंग ऐसा बनेगा। ये फंक्शन करेक्ट है लेकिन ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। इसीलिए हम लोग इस कंडीशन को यूज़ करते हैं टू शो वेदर अ फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट। तो यू विल स्टार्ट विथ इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, देन यू सॉल्व एंड इफ यू अराइव एट दिस रिजल्ट, देन इट मीन्स कि इंजेक्टिव है। एंड इफ यू अराइव एट अ रिजल्ट वेर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देन इट मीन्स कि फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। ओके, ट्राई करो ये वाला। अब सब्जेक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्टिव में यू विल हैव टू चेक एंड सी। सब्जेक्टिव का कोई सेट मेथड एज सच नहीं होता है, यू विल हैव टू चेक इफ देर इज एनी एलिमेंट इन द को डोमेन जो हम लोग का रेंज ले ही नहीं सकता कभी। लेट से अगर कोई स्क्वायर रूट का फंक्शन है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, अगर कोई स्क्वायर रूट है,
वो कभी भी नेगेटिव नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर हम लोग के कोडोमेन में कोई नेगेटिव नंबर है, देन ऑटोमेटिकली आर कोडोमेन एंड रेंज आर नॉट इक्वल। तो ऐसे करके अगर कभी भी लगता है, देन इट मीन्स कि इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। ट्राई करो ये वाला। एंड अगर है, हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे, अगर होगा तो उसका इन्वर्स भी निकाल लें। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन से सेट्स को हम लोग ले रहे हैं, मतलब हम लोग का डोमेन एंड कोडोमेन हम लोग को पहले से पता होना चाहिए यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले में डोमेन एंड कोडोमेन रियल नंबर्स है, सेकेंड वाले में आई एम गिविंग यू डोमेन इज दिस एंड कोडोमेन इज ऑल्सो दिस। ट्राई करो। मैम फर्स्ट वाले का है y -7 अपॉन रूट 4 के पावर 1/3। वेरी गुड। सेकेंड वाला करो। एंड सेकंड वाला मैम y अपॉन रूट 1 -12। सेकेंड वाला बाइजेक्टिव है, खाली इन्वर्स नहीं निकालना। यू हैव टू टेल मी वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों चेक करो। अगर दोनों हैं तब ही उसका इन्वर्स निकालो। यस मैम सेकंड वाला भी है बाइजेक्टिव। सेकेंड वाला भी बाइजेक्टिव। अच्छा एक और चीज़ है कि कभी भी अगर ऐसा हो कि आपको अगर दिख रहा है दैट सर्जेक्टिव है, तो अगर सर्जेक्टिव नहीं है तब तो ऑब्वियसली आप लोग को दिखाना होगा कि कौन से नंबर के कारण सर्जेक्टिव नहीं है। अगर दिख रहा है कि सर्जेक्टिव है, देन यू कैन नॉट सिंपली राइट दिस लाइन। इस लाइन के बाद आपको एक एक्सप्लेनेशन देना होगा। वो एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे आप लोग बोलो। कंडीशन क्या होता है सर्जेक्टिव का? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो आपको उसका रेंज निकालना होगा एंड दिखाना होगा कि इट इज कमिंग द सेम एज द कोडोमेन। ठीक है, तो निकालो इसका रेंज क्या आएगा। मैम इसमें हमें y इजिकल टू x इजिकल टू y इजिकल टू x प्रूव करना होता है ना मैम। जो हमारी x की वैल्यू आई होती है मैम उसी को फिर दोबारा से इक्वेशन में फाइंड डाल के मैम y इजिकल टू x प्रूव करना होता है। इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स विल बी, एक चीज़ याद रखना, इन्वर्स हमेशा एक्स के टर्म्स में, ठीक है, हमेशा एक्स के टर्म्स में होगा। पहले हम लोग यहाँ पे वाई कर देते हैं लेकिन फाइनल आंसर में उसको एक्स कर देना। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 4 से डिवाइड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा था, 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स क्यूब हो रहा था, यहाँ पे क्यूब रूट हो, ठीक है, इन्वर्स आया सबका ये। फर्स्ट वाला डन। सेकेंड वन, सेकेंड वाला कैसे होगा बोलो। एक्स बाय वन प्लस एक्स,
सबसे पहले इंजेक्टिव चेक करते हैं। अब जिसने भी बोला था कि सेकंड वाला बाइजेक्टिव है, वो बताओ कि उसका रेंज क्या आया। मैम इसमें से मैम 0 to infinity में से -1 कैसे कर सकते हैं मैम? अच्छा वन क्यों, -1 नहीं कटेगा, 1 कटेगा। देखो क्या हो रहा है, हम लोग पहले वाई लिए और एक्स को सब्जेक्ट बनाए, एक्स को सब्जेक्ट बनाने से ये आ गया, यही आएगा ना, तो ये आएगा मतलब 1 - y के नॉट टेक द वैल्यू 0, तो y के नॉट टेक द वैल्यू 1, इसीलिए 0 to infinity में से 1 हट रहा है, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव एंड इट इज नॉट बाइजेक्टिव ऑल्सो, तो इसलिए उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हम लोग। क्लियर? सबको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट वी मूव। हेलो मैम, हाँ बोलो। मैम यहाँ पे मैम पूछा था क्वेश्चन में कि मैम मैम वहाँ पे हम 0 से नीचे वाला नहीं ले सकते, जैसे -1 नहीं ले सकते, जैसे माइनस अगर वन हम नहीं ले वैल्यू सकते, पुट मैम अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे हमें तो मैम, तो मैम अगर हमने -1 वैल्यू पुट कर दी तो मैम -1/2 आ जाएगा आंसर। तो उससे क्या आएगा? सबसे पहला बात, -1 हम लोग एक्स का वैल्यू ले ही नहीं सकते, क्यों तो नहीं ले सकते? सम पढ़ो, सम में दिया हुआ है कि डोमेन क्या है,
जीरो से इन्फिनिटी, कोडोमेन क्या है, जीरो से इन्फिनिटी। इसीलिए आई सेड कि कभी भी इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव चेक करने जाओ तो हमेशा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमेन एंड कोडोमेन क्या दिया हुआ है। ओके, ऑलरेडी हम लोग को जीरो टू इन्फिनिटी दिया हुआ है तो कोई भी माइनस वन का क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता, ना ही डोमेन, ना ही इनपुट में और ना ही आउटपुट में। आप भले ही एक्स की जगह माइनस वन डालो, वो आप डाल नहीं सकते बिकॉज इट डज़ नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डोमेन। एंड अगर आपका वैल्यू भी माइनस वन आ रहा है एफ एक्स का, तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कोडोमेन का पार्ट नहीं है, एंड कोडोमेन के बाहर से हमारा एफ एक्स का वैल्यू नहीं आ सकता। ओके, क्लियर है? बोलो, क्लियर है? यस मैम, क्लियर। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज बेसिकली, हम लोग के पास टू फंक्शंस है, एक है एफ एक्स और एक है जी एक्स। ओके, एफ एक्स का एक डोमेन है और एक कोडोमेन है, जी एक्स का भी एक डोमेन है और एक कोडोमेन। ओके, इनफैक्ट हियर लेट्स डील विथ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, तीनों इंपॉर्टेंट हो। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में हम लोग दो फंक्शन को साथ में लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वी विल राइट इट समथिंग लाइक दिस। तो इसको रीड कैसे करेंगे? एफ ऑफ जी एक्स, तो बेसिकली एफ एक्स में जो एक्स वैल्यू है, जो इनपुट है, अब वो इनपुट कहाँ से डिराइव होगा? वो डिराइव होगा जी एक्स से। तो मतलब जी एक्स का जो रेंज आएगा वो अब हम लोग के एफ एक्स का डोमेन बन जाएगा। तो दैट इज वॉट कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज। नाउ देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ जी एक्स निकल रहा है एंड सेकेंड केस में जी ऑफ एफ एक्स निकल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जी एक्स का रेंज इज बिकमिंग एफ एक्स का डोमेन। इस केस में क्या हो रहा है, एफ एक्स का रेंज इज बिकमिंग जी एक्स का डोमेन। तो कंडीशन क्या होता है? कंडीशन फॉर अ कॉम्पोजिशन फंक्शन टू एग्जिस्ट, वट विल बी द कंडीशन? हम लोग को पता है कि हम लोग का कोई भी फंक्शन का जो डोमेन होगा उसके हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, है ना? तो जो रेंज होगा ना, इनसाइड वाले फंक्शन का जो रेंज होगा, इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द डोमेन। इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द डोमेन, तभी हम लोग का कॉम्पोजिशन हो सकता है। क्योंकि अगर वो केस नहीं हुआ, अगर रेंज में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है विच एफ एक्स के नॉट इनटेक, देन हम लोग का वो डोमेन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिर एक एलिमेंट इन द डोमेन विल बी लेफ्ट विदाउट एनी इमेज, और वैसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, राइट? तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज ऑफ इनसाइड फंक्शन शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ आउटसाइड फंक्शन। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, अभी जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है इसको दिखाने का या लिखने का एक और वे होता है, कैन इवन राइट इट लाइक दिस। ऐसे भी लिख सकते, इट्स नॉट नेसेसरी कि बीच में आप लोग वो सर्कल दो। ठीक है, तो ये वाला सम एक बार ट्राई करते हैं।
एफ ऑफ जी निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एफ एक्स में जहाँ जहाँ पे इनपुट है वहाँ वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जी एक्स को लिखेंगे। तो इनपुट कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और हम लोग का जी एक्स क्या है, 1/x, राइट। तो हाउ विल वी राइट इट, वी विल राइट इट एज दिस, ऐसे लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करो, बोलो कितना आ रहा है। x² + x/3 x² + x/3, सबका यही आ रहा है। जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करो।3x² / x+1 बहुत इजी। अब क्या होते हैं, बहुत बार यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ x में काम कर रहे थे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ x नाउ दे गिव यू अ स्पेसिफिक वैल्यू। तो लेट्स से इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट ये कैसे कैलकुलेट, फोर वाले में वैल्यू से डाल देंगे फॉग वाले में वैल्यू 3 डाल देंगे, राइट। एक्स की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 3² + 3/3 विच इज इक्वल 4, है ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करो। ये करो, फोर का आंसर आ गया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे जी ऑफ -7/2, ये क्या होएगा, मॉड ऑफ -7/2 विच इज मॉड ऑफ -9/2, कितना
कितना आएगा मॉड ऑफ माइनस नाइन, 9/2। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू आ गया जी एक्स का, अब इसको हम लोग डालेंगे एफ एक्स में, तो एफ एक्स इज कॉस एक्स तो एफ ऑफ 9/2 चाहिए हम लोग, कितना आएगा बॉक्स ऑफ 9/2 4 आएगा बिकॉज दिस इज एक्चुअली 4.5, तो 4 इज आर आंसर। क्लियर, तो ये हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, एंड इसी के साथ हम लोग का फुल रिलेशंस एंड फंक्शंस खत्म हो जाते हैं। दैट इज द एंड ऑफ द इंटायर चैप्टर, एवरी थिंग इज कवर्ड। असाइनमेंट्स आप लोग के पास ड्राइव पे है ऑलरेडी, उसको ट्राई करना एंड आई थिंक सारा सम्स हो जाना चाहिए। वी विल डू वन सम्स क्लास नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो मैम, मैम जो आपने मैम